बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन और सामीन अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद रफीक रिज़वी और आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरीज, सच्ची कहानियां। आज हम गुफ्तगू करेंगे रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने की फजीलत के बारे में। तो नाज़रीन, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। घंटी बजे या ना बजे, मेरी नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो हम करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। नाज़रीन और सामीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना मेहमान की मनिंद हमारे पास आ रहा है और हमेशा से ये बात जहन में रखें कि मेहमान अपने साथ रहमतें और बरकतें लेके आता है। रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का मकसद ये होता है कि हम इसकी फजीलतों और रहमतों से अपनी नेकियों में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करें। हमारे गिर्दोनवा में नज़र आने वाले हर गरीब फ़कीर की हम मदद करें ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। नाज़रीन और सामीन, आप सबसे ये गुजारिश है कि रमज़ानुल मुबारक के इस महीने का हरगज़ मकसद नहीं होता कि हम नए कपड़े खरीदें, जी भर के सहर और अफ्तारी का इंतज़ाम करें, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि हम दूसरों का एहसास करें, दूसरों की भूख को महसूस करें। और नाज़रीन और सामीन, ये काम आपने हरगज़ नहीं करना जो अक्सर औकात मेरे दोस्त करते हैं कि चंद चीज़ें दे के उसकी तस्वीर बना के सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। नाज़रीन, इससे दूसरों की इज्जत के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है और उनको उनकी गुर्बत बार बार महसूस होती है। नाज़रीन, ये हरगज़ काम नहीं करना आपने। नाज़रीन और सामीन, इस मुकद्दस महीने में आपने अपने पूरे जिस्म की हिफाजत करनी है। ये रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने आँखों की हिफाजत, अपनी ज़बान की, अपने कदमों की, अपने कानों की, हर चीज़ का ये रोज़ा होता है। तो नाज़रीन और सामीन, आपने 5 वक्त की नमाज के साथ साथ कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तलावत करनी है, क्योंकि इन दिनों में नेकी का अजर आम दिनों की निस्बत ज़्यादा हो जाता है। नाज़रीन और सामीन, मेरे तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि इस महीने की खूब इज्जत कीजिएगा और इस महीने के सारे रोज़े रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये 11 माह की मेहनत के बाद आता है और इसका मकसद होता है कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हम अस्तगफार करके माल के हकीकी से अपने किए गए तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। तो नाज़रीन और सामीन, मेरी आप सब से ये गुजारिश है कि इस महीने की आपने रहमतों और बरकतों से ज़रूर अपने आप को मुस्तफीद करना है। तो नाज़रीन सामीन, मुझे उम्मीद है कि आप इस नेकी में और आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ की तलावत करके ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा उनको गिफ्ट भेजेंगे। तो नाज़रीन, हमारी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।